एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की प्रबंधक निदेशक के साथ वार्ता बेनतीजा रही है। बैठक में प्रबंधन ने एक महीने का ओवरटाइम देने के लिए हामी भर दी है, लेकिन प्रबंधन इससे खुश नहीं है। 38 महीनों का रात्रि ओवरटाइम अभी भी पेंडिंग है। यूनियन ने अब सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन के लिए 15 मई का समय दिया है। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने कहा कि यूनियन को वार्ता के लिए बुलाने के चलते एचआरटीसी चालक और परिचालकों ने अपना आंदोलन टाल दिया था, लेकिन आज प्रबंधन के साथ बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई है। यूनियन ने अब एक बार फिर 15 मई तक अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 मई से पहले उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो रात्रि बस सेवा ठप कर दी जाएगी। एडवांस में ओवरटाइम मिलने के बाद ही सेवा शुरू की जाएगी। जैसा कि हमारा 7/5/2023 को जो हमारा एजिटेशन था ओवरटाइम नाइट के लिए एडवांस लेकर हमने जाना था, वो नोटिस दिया हुआ था हमारे को, प्रबंध निदेशक महोदय जी ने 9 तारीख को आज अपने चैम्बर में मीटिंग के लिए बुलाया था। हम मीटिंग करने गए, मीटिंग सौहार्दपूर्ण हुई, लेकिन बात बनी सिर्फ ओवरटाइम नाइट की, एक महीने की। बाकी मंत्री साहब अपने टूर पे हैं, उन्होंने ये बोला कि 13-14 तारीख से पहले पहले आपको मैं अपने चैम्बर में बुलाऊंगा और आपसे ये जो ड्यूज के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जो भी आपका बन पाएगा मैं कर पाऊंगा वो आपका किया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने 15/5/2023 तक नोटिस दिया है। अगर 15/5/2023 तक अगर हम इसका कोई डिसीजन ना निकला, हमारी वार्ता ना हुई, हमारे को ड्यूज ना मिले, तो हम 15/5/2023 से अपना एजिटेशन जो है वो यथावत चालू रखेंगे। कि हमारा जो 7/5 को था वही हमने रखा है कि रात्रि सेवा के लिए जहां भी हम जाएंगे वो एडवांस लेकर जाएंगे, वही एजिटेशन हमने एजिटेशन रखा है। ड्यूज हमारे तरह तरह के ड्यूज सरकार के पास पड़े हैं, जैसे अदर डिपार्टमेंट को 50,000 रुपया एरियर के रूप में मिल गया, हमें नहीं मिला है। 3% डीए अदर डिपार्टमेंट को मिल गया, वो हमें नहीं मिला है। 2016 के पे कमीशन के एरियर, 4/9/14 के एरियर हमारे दुनिया भर के जो एरियर सरकार के पास है या प्रबंधन के पास है। सबसे बड़ा इशू जो है हमारा तनख्वाह का है, सैलरी का है। सैलरी हमें इन टाइम मिलनी चाहिए, हमें स्थाई हल चाहिए। हम माननीय मंत्री मोदी जी से अगर मीटिंग का जैसे ही 15 तारीख से पहले टाइम मिला तो हम उनसे भी इस बात का स्थाई हल ढूंढेंगे और जो हमारा नाइट ओवर टाइम का जो है वो उसका स्थाई हल मिले। महीने की रेगुलर किया जाए, जो ये चला हुआ है उसके रेगुलर नाइट दी जाए और पिछले जो है हमें जो जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है वो हमें दी जाए, इसके लिए हम बात करेंगे। अगर 15 तारीख से पहले पहले हमें मीटिंग का टाइम मिला तो हम मंत्री साहब से बात करेंगे, नहीं तो 15 से हम अपना एजिटेशन जो चालू रखेंगे। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।